दोस्तों, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो चाइना में ना बनती हो। चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सजा मिलती है। चीन में एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज को खा सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में ही पाया गया था। चीन के लोग मास्क कई साल पहले से लगा रहे हैं और इसका कारण है वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का होना। तो दोस्तों, आज हम चीन से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। दोस्तों, चीन हमेशा से अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की फिराक में लगा रहता है। यही कारण है कि चीन हमेशा तिब्बत को हथियाने की कोशिश में लगा है। साथ ही चीन क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे पर रशिया, कनाडा, यूएसए हैं। चीन का कुल क्षेत्रफल 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद चीन ही अपनी आर्मी पर सबसे अधिक खर्चा करता है, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए सालाना। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों के कॉलर्स में नुकीली पिन लगा दी जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सैनिकों की गर्दन सीधी रहे और वह अनुशासित रहें। यहाँ के ज्यादातर लोग पेशाब इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि पेशाब की मदद से आप अपने शरीर से किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। चीनी लोग अपने सुबह के मूत्र को पीने से उसके चमत्कारी फायदे बताते हैं। दोस्तों, चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। दोस्तों, साल 2010 में चीन के शंघाई शहर में जाम लगा था जो 100 किलोमीटर लंबा था और इस जाम को हटने में 12 दिन लग गए थे। चीन के लोग हम सोच भी नहीं सकते वो चीजें या जानवर जी पकड़कर खा जाते हैं। चाहे सांप मिले या ऑक्टोपस, चींटी मिले या बत्तख या फिर चूहा, सब कुछ खाओ, यहाँ तक कि कुत्ते भी। दोस्तों, चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दीवार को बनाने की शुरुआत 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और इसे 16वीं शताब्दी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार को चीन की सुरक्षा के लिहाज से दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था, पर यह दीवार ऐसा ना कर सकी और 11वीं-12वीं शताब्दी में चंगेज खान ने इस दीवार पर हमला कर तोड़ दिया और चीन में दाखिल हो गया। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है और इंसान द्वारा बनाई गई ये दीवार एक अजूबा है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी गिना जाता है। दोस्तों, चाइना अपने भोजन के लिए सबसे ज्यादा चर्चित है। जैसे हमारे यहाँ खेती करके अनाज उगाया जाता है, वैसे ही चीन में सांप के लिए उनकी खेती करी जाती है। दोस्तों, चीन के जेसी कियाओ नाम के गाँव में सांप की खेती होती है। दोस्तों, यहाँ पर हर साल 30 लाख सांप पैदा होते हैं और इस गाँव की आबादी महज 1,000 है। इन पाले जाने वाले सांपों में अजगर, वाइपर, कोबरा जैसे जहरीले सांप भी शामिल होते हैं। इन सांपों के मीट को खाने के लिए इन्हें पाला जाता है। साथ ही आप चाइना के किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाकर सांप की डिश ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, चीन में आज भी लगभग 4 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। दोस्तों, चाइना में केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति है और दूसरा बच्चा पैदा करना कानूनन अपराध है। चीन में इस कानून की वजह से महिलाओं की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आज के समय में लगभग 3 से 3.5 करोड़ मर्द चीन में ऐसे हैं जिन्हें शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मास्क जरूर पहनता है, पर चीन में कई दशकों पहले से ही लोग अपने चेहरे और नाक मुंह को ढकने के लिए मास्क का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी वजह है चीन में बेइंतहान प्रदूषण का होना। दोस्तों, दुनिया में 29% वायु प्रदूषण चीन ही फैलाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में अगर आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर को उतना ही नुकसान होगा जितना एक दिन में 24 सिगरेट पीने से होता है। दोस्तों, चाइना में अगर कोई अमीर व्यक्ति गलती से किसी तरह का कोई क्राइम कर देता है तो वह अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को सजा काटने के लिए जेल भेज सकता है, जिसके लिए अमीरी चीनी आदमी उस व्यक्ति को किराए पर खरीद लेता है। मतलब चीन में अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, चीन में बोली जाने वाली भाषा को मैंड्रियन चाइनीज कहते हैं और यह दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश आती है और तीसरे पर हमारी राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों, चाइना में रेनमिनबी नाम की करेंसी चलती है और इसका युआन बेसिक यूनिट है। एक युआन भारतीय रुपए में अभी के समय में 11.26 रुपए के बराबर है।
दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो चाइना वाले किराए पर गर्लफ्रेंड भी देते हैं। जितना ज्यादा किराया उतनी ही सुंदर आपकी महबूबा। दोस्तों, चाइना को पूरी दुनिया इसकी फेक चीजों को बनाने के लिए भी जानती है। ये चाइना वाले फेक अंडे बना के बेचते हैं, फेक आईफोन बेचते हैं, और एक बार तो चाइना के हेवे प्रोविंस नाम के एक म्यूजियम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर 40,000 चीजें एंटिक पीस बताकर नकली रखी गई थी।